हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नीलम हैरा और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट और अजय देवगन का ये होगा किरदार। निर्देशक संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की काफी ज्यादा चर्चा है। फ्लोर पर आने से पहले ही संजय लीला भंसाली अपनी नई फिल्मों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आलिया भट्ट इस फिल्म को लेकर एक और नई रिपोर्ट की चर्चा है, जहां से पहले उन्होंने अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की घोषणा की थी, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य किरदार में नजर आने वाली हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म के निर्माताओं को अजय देवगन के रूप में लीड एक्टर मिल गया है। आलिया भट्ट और अजय देवगन की जोड़ी को एक साथ देखना काफी ज्यादा मजेदार हो सकता है। दोनों इससे पहले पर्दे पर कभी साथ नजर नहीं आए हैं। जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि अजय देवगन की फिल्म में एंट्री का डेवलपमेंट पिछले हफ्ते हुआ, जब अजय देवगन और संजय लीला भंसाली आनंद पंडित के घर दिवाली पार्टी में मिले थे। इस दौरान दोनों ने घंटों बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर बात की, जिसके बाद भंसाली ने अजय देवगन को अपने ऑफिस आने के लिए आमंत्रित किया। अपनी मुलाकात में भंसाली ने एक्टर को दो स्क्रिप्ट ऑफर की, जिसमें बेजू बावरा में तानसेन का रोल और गंगूबाई में एक डकैत का किरदार ऑफर हुआ है। अब अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इसकी कहानी मुंबई की क्वींस पर आधारित होगी, जिसे पत्रकार हुसैन जेदी ने लिखा है। गंगूबाई काठियावाड़ी कमाठीपुरा में एक वैशाल्य की मालिक थी और 60 के दशक में एक शक्तिशाली महिला थी। वैशाल्य चलाने के अलावा वो ड्रग्स और मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट भी देती थी। इस फिल्म में आलिया कमाठीपुरा वैशाली की सबसे ताकतवर, प्यारी और सम्मानित लड़की का किरदार निभाने जा रही हैं। कहानी 1960 के दशक की है। वैसे तो गंगूबाई की स्टोरी आलिया भट्ट के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन गंगूबाई में अजय का किरदार काफी ज्यादा दमदार है। इस फिल्म में उनका किरदार एक डकैत का होगा, जो गंगूबाई को व्यापार के तरीके सिखाता है और फिर उसके प्यार में पड़ जाता है। सिनेमा जगत में इसे टूट के प्यार करने वाले किरदारों के लिए याद किया जाएगा। और आपको बता दें कि अजय देवगन संजय लीला भंसाली के साथ दो दशक बाद काम करेंगे। फिलहाल अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म तानाजी में काफी ज्यादा बिजी हैं। अजय देवगन जल्द ही हमें ओम राउत को ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म तानाजी में मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं, और जिसमें उनके साथ सैफ अली खान, काजोल और अजिंक्य राव भी अहम किरदारों में दिखने वाले हैं, जो कि अगले साल 10 जनवरी को रिलीज होगी। इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है, आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारी न्यूज को todays.com पर भी देख सकते हैं और YouTube पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज़।